वेलकम बैक ऑफ यू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। आज आपको मैं बताऊंगा जो आपका आरसीसी प्रीकास्ट स्लैब वॉल होती है उसको हम कैसे प्लास्टर करते हैं, किस तरह से प्लास्टर करना चाहिए। ये आपका ये इस तरह से प्रीकास्ट ये स्लैब है, ये प्रीकास्ट वॉल है, आरसीसी वॉल, ठीक है। तो सीए वॉल के बाद में आपको देख रहे हैं जो सामने जो देख रहे हैं ये आपका क्या है, बीम है। ये बीम किस में है, ये आपका स्लैब के अंदर ही है, ये आपकी स्लैब है, स्लैब के अंदर ही बीम है। ये अभी आपका बीम है, स्लैब वो छोटा बीम है, उसमें जो लटक होती है मिनिमम 4 इंच की है। तो उसको मेंटेनेंस कैसे करेंगे, जैसे आरसीसी वाल बीम देख रहे हैं आप, इसमें जो गैप आता है, ये गैप किससे भरेंगे, जीपी टू से भरते हैं, या फिर जीप अगर उसमें थोड़ा मोटा होता है तो जीपी ज़्यादा होता है तो जीपी टू से भरे, कम हो जब बहुत ही कम होता है तो वो फाइन सीमेंट पोर्टलैंड पीपी सीमेंट या फिर ओपीसी सीमेंट से फिलिंग कर देते हैं। उसके बाद ये जो धारिंग होती है, जो एजिंग होता है बीम का, उधर बीम का जो एजिंग बनते हैं वो बनाएंगे पीओपी से, ठीक है, वो बनाएंगे पीओपी से धार बना देते हैं। ये आपका फिनिशिंग फेस आ गया, इसके बाद आपको पुट्टी हो जाएगी, फिनिशिंग फेस आ गया। अगर आपका रफली फेस होता है, जैसे आपके प्लास्टर की रिक्वायर्ड होती है, जहाँ पे आपको प्लास्टर की रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ पर सबसे पहले क्या करना होता है, ये प्लास्टर है वाल के ऊपर, सबसे पहले क्या करेंगे प्लास्टर कर देते हैं, ठीक है। ये आपका प्लास्टर कर देते हैं, सामने देख रहे हैं प्लास्टर, ये क्या कच्चा प्लास्टर है, ये सामने क्या देख रहे हैं आप, कच्चा प्लास्टर है टाइल के लिए, सिंपल टाइल के लिए। इस तरह से रफली प्लास्टर होना चाहिए, अगर आप टाइल के लिए यूज़ कर रहे हैं बाथरूम में उसके लिए, तो अगर टाइल के लिए पत्थर के लिए तो सिंपल रफली प्लास्टर करते हैं। इस तरह से रफली प्लास्टर, इससे ऊपर क्या होगा प्रॉपरली जॉइंट बन जाता है, सीमेंट भरते हैं, जैसे टाइल के पीछे सीमेंट सलरी से ही टाइल लगाई जाती है, ऐसे ही आपका टॉप में जैसे देख रहे हैं तो फिनिशिंग के लिए आपका डॉप फ्रेम इस तरह से रहता है। जैसे एजिंग देख रहे हैं सामने, जब बिल्कुल एजिंग बनती है, ये एजिंग आपकी पीओपी से बनेगी या फिर पुट्टी से, प्लास्टर से, यहाँ पर प्लास्टर रिक्वायर्ड नहीं है तो ये पीओपी से धार एजिंग बना दी है इस तरह से। ये आपका पीओपी से बनेगा, उसके बाद जो प्लास्टर कर देते हैं, प्लास्टर करने के बाद जिप्सम प्लास्टर से करेंगे, वो किस तरह से करते हैं मैं आपको दिखा दूंगा, प्लास्टर पॉइंटिंग, ठीक है, इस तरह से आप दिखा दूंगा। जो एजिंग बननी है सामने, डोर फ्रेम देख रहे हैं, ये भी सब क्या है पीओपी से ही बनी है, पीओपी पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सामने बीम है, वो बीम भी आपकी एजिंग जो फिनिशिंग फेस गया हुआ है वो फिनिशिंग पीओपी से बना हुआ है, ये भी सब पीओपी फिनिशिंग फेस। जो रिपेयर होता है, रिपेयरिंग अगर रिपेयर सबसे पहले जो मोटी रिपेयर होता है प्लास्टर से कर देते हैं, जैसे सामने देख रहे हैं ये सीमेंट सीमेंट सैंड से रिपेयर हो चुका है, रिपेयर के बाद आपको अगर धार बनानी है बड़ी वाली तो ये पीओपी से बना देते हैं। अगर प्लास्टर से प्लास्टर करेंगे तो प्लास्टर का होएगा, अगर उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, जैसे आरसीसी बीम है प्रीकास्ट है तो रिक्वायर्ड नहीं है तो ये आपका सीमेंट इसमें नहीं रुकता प्लास्टर, अब प्लास्टर करना पड़ता तो पूरे का प्लास्टर करना पड़ता तभी रुक पाता है वो प्लास्टर सीमेंट का। अगर छोटी रिपेयर होती है, कम होती है, प्लास्टर आप नहीं कर रहे हैं तो सिंपल आपका आरसीसी है तो आरसीसी पे आपको पीओपी रुकेगा, प्लास्टर आपको प्लास्टर करना पड़ेगा तो पूरे भी करना पड़ेगा, अगर धार धार बनाएंगे प्लास्टर से वो आपका प्लास्टर नहीं रुके, क्रैक कर जाएगा, ठीक है। रिपेयरिंग के लिए कौन सा, जैसे ये देख रहे हैं पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी है ये आपका 20 kg का बैग सीमेंट आता है, मोस्टली मार्केट में अवेलेबल होता है। इसको कैसे मिलाते हैं, इस तरह से पानी डाल देते हैं इस तरह से, एवरी नेक्स्ट टाइम में जैसे कि आप देख रहे हैं पीओपी यूज़ हो चुका है इसमें से, अब इसको सफाई करना रिक्वायर्ड होता है, ज़रूरी होता है क्योंकि ये वेस्ट हो जाता है। सबसे पहले इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले इसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद इसमें पीओपी रिक्वायर डालते चले जाते हैं प्रॉपरली मिक्सिंग के लिए, लिक्विड फॉर्म में आने के लिए। ये आपका मिल चुका है, इसको मिनिमम 5 से 10 मिनट, मिनिमम 2 से 3 मिनट तक इसको रखना होता है, 2 से 3 मिनट तक, वो क्या होगा थोड़ा सेट हो जाएगा। मिलाने के बाद आपको इसमें रखना होता है 2 से 3 या 4 मिनट तक इसको रखना होता है थोड़ा सेट होने तक, तो फिर रिपेयर के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से आपको रिपेयरिंग के लिए बीम के लिए रिपेयरिंग यूज करेंगे, यहाँ पे इन पार्ट होती है रिपेयरिंग के लिए। जैसे वो सामने देख रहे हैं वो सभी सीमेंट से रिपेयर हो चुका है, जो जॉइंट है होते हैं, जो गैप है आपका, जो गैप है प्रीकास्ट स्लैब एंड बीम में जॉइंट है वो आपका सीमेंट से रिपेयर हो चुका है। उसके बाद आप उसको रिपेयरिंग करने के फिनिशिंग में लाने के लिए पीओपी से करेंगे, बिकॉज जब प्लास्टर की रिक्वायर्ड नहीं है, अब प्लास्टर करते हैं तो पीओपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिनिशिंग ऑलरेडी फिनिशिंग फेस है, आरसीसी प्रीकास्ट स्लैब है, ये प्रीकास्ट ये वॉल प्रीकास्ट स्लैब, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है प्लास्टर की, तो इसमें
रिपेयर कर देंगे तो पीओपी से ही करेंगे, ठीक है। अगर पहले से इसमें प्लास्टर हो चुका है तो रिपेयर आप प्लास्टर से ही करेंगे, प्लास्टर से नहीं है, फिनिशिंग सरफेस है, फिनिशिंग सरफेस है तो पीओपी से सरफेस को करते हैं। जैसे कि ये ओपनिंग है विंडो की, इसको अच्छे से फिनिशिंग करेंगे तो इसमें से प्रॉपरली से इस तरह से कर देते हैं। ये आपका लगाने के बाद ही बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है, मिनिमम 5 से 10 मिनट के अंदर ही। ये जो वाल है ये प्रीकास्ट वाल है, और प्रीकास्ट वाल पे प्लास्टर की रिक्वायरमेंट अगर करते हैं तो उसमें प्लास्टर इतना ज़्यादा है। ये ऑलरेडी फिनिशिंग फेस है, फिनिशिंग फेस पे लिए, और इसको फेस को स्मूथ बनाने के लिए बिफोर पुट्टी, वाल पुट्टी से बिफोर प्लास्टर के लिए इस तरह सरफेस आपका स्मूथ सरफेस बनाने के लिए इस वाल के अंदर आपको पीओपी से थिन लेयर चला देंगे, पतली पतली लेयर इस पर चला देंगे, जो वाल का जो सरफेस है वो प्रॉपरली स्मूथ सरफेस आ जाएगा। इसके बाद पुट्टी आ जाती है, वाल पुट्टी हो जाती है, वाल पुट्टी वाला आपका काफ़ी पेंट आ जाता है। इस पर वाल पुट्टी तब तक नहीं करनी है जब तक ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है, ड्राई फॉर्म में आने के बाद ही इस पर पेंट यूज़ होता है। अब ये थोड़ा वेटनेस है, वेटनेस की वजह से इसमें कोई आपको पुट्टी नहीं करनी है, बिल्कुल ड्राई हो जाता है, बिल्कुल वाइट फॉर्म में आ जाता है। सूखने के बाद आपको कैसा दिखाई देगा, जैसे आप सामने दिखा रहे हैं बिल्कुल ये सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है, इस तरह से बिल्कुल सूख जाता है इस तरह से, और ये आपका वेटनेस है, ये आपका ड्राई फॉर्म में। तो ड्राई फॉर्म में आने के बाद इसमें पुट्टी वाल पुट्टी कर देंगे, फिर इसमें पेंट यूज़ किया जाता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे।